सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग फैक्ट्स बीटीआई चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेडियन सर्टिफिकेट के करेक्शन की कि हम रेडियन सर्टिफिकेट में करेक्शन कैसे करवा सकते हैं। तो क्या होता है, कई बार जैसे हम किसी रेंट पर रह रहे हैं, रेंट पर रहते रहते तो हम कोई अपना मकान लेते हैं, दूसरे एड्रेस पर चले जाते हैं, तब हमको एड्रेस का करेक्शन करवाना पड़ता है। और दूसरा, हम किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते करते हमारी ट्रांसफ़र किसी और जगह कर दी जाती है, तब हमें एड्रेस चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे हम नवा नवा कोई रेडेंस का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, या किसी नाम में मिस्टेक हो जाती है, या कोई डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो जाती है, तब हम जब अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वो दोनों चीज़ें मिलाते हैं, तब हमको जब भी हम जल्दी जल्दी फार्म भरें तो ध्यान से भरें, तब हमको रेडेंस सर्टिफिकेट है जो भी करेक्शन करवाने की दोबारा से नौबत आ जाती है। तो ये चीज़ें जो हमें आगे जाकर बहुत ही दिक्कतें करती हैं, तो हम इसको रेडेंस सर्टिफिकेट का करेक्शन कैसे करवा सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, इसका A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर्म भरने से लेकर अप्लाई करने तक कितने पैसे देने हैं, कोई कितने नहीं देने हैं, बाई पोस्ट आएगा कि आपको लेने जाना पड़ेगा, ये सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर, आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स BTI। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों याद रखें, आपका ये सर्टिफिकेट तभी करेक्शन होगा अगर आपने कोई एड्रेस चेंज करवाना है, नाम डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, तो उसका आपके पास एक ओरिजिनल प्रूफ होना चाहिए। तो दोस्तों आप आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है रेडेंस सर्टिफिकेट फॉर्म, ठीक है, आपको ये डाउनलोड कर लेना है। अगर आपसे ये डाउनलोड नहीं होता है तो मैं इसका लिंक आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस लिंक पर विजिट करके आप इस रेडेंस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जो नीचे आपको दिया हुआ पर्सनल डिटेल, इसमें आपको जो भी नाम चेंज करवाना है वही नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको अपना पूरा जो भी एड्रेस चेंज करवाना है अगर, तो आपको यहाँ पर पूरा अपना एड्रेस फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एड्रेस फिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर लिखना है पर्सनल डाटा ऑफ बेनिफिशियरी, यहाँ पे आपको अपना जो भी आपका नाम है, जो अभी आपने नाम चेंज करवाना है वही नाम आपको यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। उसके बाद आपको जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस प्लेस का नाम लिखना है, और यहाँ पर आपको अपना फादर नेम लिखना है। फादर नेम लिखने के बाद यहाँ पर आपको मदर नेम लिखना है। मदर नेम लिखने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस चेंज करवाना है, तो पूरा एड्रेस फिल कर देना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर अपना पिन कोड लिखना है। पिन कोड लिखने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जिला जो भी है वो लिखना है। यहाँ पर आपको मैरिड तो मैरिड, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखना है। यहाँ पर आपको पति पत्नी जो भी है उसका नाम लिखना है, अगर नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी अगर है तो लिख दें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको वोटर कार्ड नंबर लिखना है, आपका जो भी वोटर कार्ड है, और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। वोटर कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो वोटर कार्ड नंबर दे दें, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है, और यहाँ पर अगर यहाँ पे ये वो ऑप्शन है, अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो आप जल्दी से जाके अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के साथ साथ आपको एक रसीद दी दी जाएगी, रसीद के जो भी आपकी रसीद है, रसीद के ऊपर एक एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, उसको वो जो नंबर है आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। ये सारा डाटा फिल करने के बाद आपको उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ये जो दो ऑप्शन है ये दिखेंगे, आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे सेवा केंद्र में जाके देंगे तो सेवा केंद्र पर आप टिक कर दें। उसके बाद आपको फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको ये फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप जो भी सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान पर आप कितने टाइम से रह रहे हैं, 20 साल से 10 साल से, जो भी है यहाँ पर आप लिख दें। और यहाँ पर भी आपको जितने 20 साल से 10 साल से रहे हैं यहाँ पर भी वही आपको लिख देना है। उसके बाद आपको फिर नीचे जाना है, यहाँ पर इसमें कोई भी आपको कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं करना है, ये आपको सारा खाली छोड़ देना है। उसके बाद फिर से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये आपको बता रहा है कि कौन कौन से इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जरूरी हैं। उसके बाद आपको एक अपना जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना है, राशन कार्ड है, अगर वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट की कोई भी कॉपी है, पासपोर्ट है, वो आपको देना ही देना है। इन सब में से आपको एक चीज़ देनी पड़ेगी। उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मांग रहा है, आपका जन्म का कोई प्रूफ मांग रहा है, तो आपके पास अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई 10th का सर्टिफिकेट है तो उसकी फोटोकॉपी लगा सकते हैं। उसके बाद सरपंच, पटवारी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इससे आपको जो है द्वारा पड़ताल वेरिफिकेशन करवानी है, फार्म है, ये फार्म आपको जो भी है पड़ताल वाला फार्म इसी फार्म में नीचे लगा हुआ है, तो मैं वो आपको बता दूंगा। तो ये तीनों फार्म कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, ये सारे ऑप्शनल हैं। ये आप फार्म नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद रखें आप ये सारे
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं और फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। फोटोकॉपी के ऊपर अपने एक एक साइन जरूर कर लें, अगर नहीं करोगे तो वहां पे आपको वो साइन करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको फिर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये जो मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है भी मैं इस एड्रेस पर इतने टाइम से रह रहा हूँ और जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर इन डॉक्यूमेंट्स भी कोई भी नकली डॉक्यूमेंट्स पाया जाता है तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, मैं इससे सहमत हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन करने हैं, अगर आप अंगूठा लगाते हो यहाँ पर अंगूठा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद स्वयं घोषणा पत्र मांग रहा है ये। स्वयं घोषणा पत्र में आपको जो भी नाम चेंज करवाना है वही नाम लिखना है और यहाँ पर पुत्र पुत्री पत्नी जो भी है उसका नाम लिखना है। यहाँ पर वासी लिखना है, शहर से है शहर का नाम, पिंड अगर गांव से है तो गांव का नाम, यहाँ पर अपने तहसील का नाम लिखना है, यहाँ पर अपने जिले का नाम लिखना है और फिर यहाँ पर आपको साइन करने हैं, या अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो आपको अंगूठा लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको अपनी जो भी आप जौन से भी दिन सुविधा केंद्र में ये फॉर्म सबमिट करेंगे उसी समय की आपको डेट डालनी है और यहाँ पर भी आपको अपने साइन करने हैं, अंगूठा लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और यहाँ पर आपको दे रहा है पंजाब रिहायशी सर्टिफिकेट जारी करने के बारे दरखास्त मांग रहा है। यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है थोड़ा ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर आपको गांव का या शहर का नाम लिखना है, गांव में रहते हैं तो गांव का, शहर में रहते हैं तो शहर का नाम, यहाँ पर आपको तहसील का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको जिले का नाम लिखना है। यहाँ पर जो आपको सर्टिफिकेट किस कारण चाहिए, क्यों चाहिए, उसकी वजह आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखनी है जिस दिन अप्लाई करेंगे ये सर्टिफिकेट और यहाँ पर आपको साइन करने हैं या अंगूठा लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से नीचे जाना है। यहाँ पर आपको जो ये इतनी ये खाली जगह आपको जो आपको ये दिख रही है वाइट वाइट, यहाँ पर आपको जो अगर आप गांव में रहते हैं तो वहाँ का सरपंच होगा यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करके देगा, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपका एमसी होगा वो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करके देगा, ठीक है। उसके पास आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, वो सारा डॉक्यूमेंट्स देख के यहाँ पर वो सारा वेरवा लिख देगा और यहाँ पर अपने साइन कर देगा और यहीं साइड में अपनी स्टैंप लगा देगा। याद रखें स्टैंप और साइन ना आपने जरूर करवाने हैं। और उसके बाद आप हल्का पटवारी के पास जाएंगे। जब हल्का पटवारी के पास जाएंगे तो यहाँ पर हल्का पटवारी है जो नीचे जगह दी हुई है, इतनी इतनी खाली जगह है, यहाँ पर हल्का पटवारी आपको रिपोर्ट करके देगा। जो ये सरपंच या एमसी की रिपोर्ट है इसको देखकर ही ये पटवारी आपकी रिपोर्ट करके देगा, इसके बिना ये भी रिपोर्ट नहीं करेगा। रिपोर्ट करने के बाद ये यहाँ पर अपने साइन कर देगा। उसके बाद ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको फिर से नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद ये रिपोर्ट पटवारी वाला एक और फार्म है, ये फार्म पटवारी नहीं भर के देगा, याद रखें ये फार्म आपको पटवारी नहीं भर के देगा। ये फार्म आपको खाली ही लेकर जाना है सुविधा केंद्र में, वहां पर जाके खाली फार्म ही जमा करवा दे, जो वहां पे अधिकारी बैठे होते हैं ये फार्म ऑनलाइन सबमिट कर देंगे किसको, ये तहसीलदार को, जहाँ तहसीलदार लिखा है तहसीलदार ऑनलाइन चेक करके ये सारी डिटेल आपकी भर देगा। उसके बाद यहाँ पर साइन करके ऑनलाइन तहसीलदार खुद ही सबमिट कर देगा, इसमें आपका कोई भी काम नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आगे कोई भी फार्म नहीं है, बस इतने फार्म है। ये अगर ये फार्म आपको साथ में मिलता है तो आप ये फार्म छोड़ दें, इसको साथ में लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फीडबैक का फार्म है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपको फार्म अप्लाई करना है। याद रखें मैं आपको भी चीज एक और चीज इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, जब भी आप फार्म जाके अप्लाई करें क्या करोगे, आप वहां पर जब जाओगे फार्म जमा करवा दोगे। फार्म जमा करवाने के बाद क्या होगा, उनसे आप फार्म अप्लाई करने से पहले बोल दें, भाई ये फार्म है जो मेरे को, जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है सर्टिफिकेट है मेरे को यही मैं लेने खुद आऊंगा, ये बाय पोस्ट ना भेजें, ठीक है। अच्छा होगा आप खुद ही लेने जाएं सुविधा केंद्र में, बाय पोस्ट ना लें। क्या होगा, क्या होता है कई बार आप उस एड्रेस पर जिस जो भी आपने एड्रेस दिया है नवा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई के लिए, उस एड्रेस पर आप नहीं रह रहे हैं और बाय जो भी वहाँ पर पोस्टमैन आता है वो वहाँ पर आप नहीं रह रहे होते और वो वहाँ से वापस मुड़ जाता है, तो आपका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है। और क्या है दूसरी बात ये है, जो आप सर्टिफिकेट बाय पोस्ट आता है उसके 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, आपको 110 से 120 रुपये लग जाते हैं। अगर आप बाय पोस्ट नहीं करवाओगे तो आपके सिर्फ 70 रुपये लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको 1 रुपया भी नहीं दे रहा है। फार्म भरने के भी दोस्तों वहाँ से जो वहाँ पर मैनेजमेंट वहाँ बैठी है 100 रुपये फार्म भरने के ले लेती है, तो आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से फार्म भर लें, आपका ये 100 रुपया भी बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दो बातें होंगी क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, जब सबमिट करवा दें उसके बाद आपको 14 से 15 दिन वेट करना है। 15 दिन के बाद तो तुरंत 15 दिन के बाद आपको वहां पर जाना है भी मेरा सर्टिफिकेट मुझे दो। कई बार क्या होता है आप सर्टिफिकेट नहीं लेने जाते, आप 20 दिन 25 दिन लगाते हो तो क्या फाइलें दबने, वहां पर बहुत से सर्टिफिकेट आते हैं तो नीचे से नीचे आपका सर्टिफिकेट दबा चला जाता है, तो ढूंढने में दिक्कत होती है। 14 से 15 दिन बाद आप खुद चले जाएं तो आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह से ये सारा प्रोसेस था। आशा करता हूँ वीडियो मेरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक बात और, सब्सक्राइब तो आप कर लेते हो लेकिन साइड में जो घंटी है उस घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, जो भी नई वीडियो मैं यहाँ पर डालूंगा वो हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।